हरियाणा के नूह जिले के मेवात से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां हनन माफियाओं ने एक बड़े पुलिस अफसर को मौत के घाट उतार दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खबर मिली थी कि अरावली हिल्स के पास हनन माफिया अवैध हनन करवा रहा है। इसी सूचना पर वो मौके पर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। खनन रुकवाने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह डंपर के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन बेखौफ माफिया ने रुकने के बजाय ऐसा दुस्साहस दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। माफिया के गुर्गों ने डंपर चढ़ाकर डीएसपी की जान ले ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या के वक्त मौके पर खनन माफिया के गुर्गों की संख्या 5 से 6 के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे। 3 महीने बाद ही उनका रिटायरमेंट था। हरियाणा के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संदीप खिरवार ने इस घटना को लेकर कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, हमें दोपहर 12 बजे के करीब सूचना मिली थी। इस मामले में हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे। दोषियों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। जनता में कानून का विश्वास और बढ़ाएंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अवैध खनन के खिलाफ ये हमारा एक्शन चल रहा था। गृहमंत्री बोले, जितनी फोर्स लगानी पड़े लगाएंगे। नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में गृहमंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। विज ने कहा कि मैंने कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़े हम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आसपास के जिलों की फोर्स भी अगर लगानी पड़ जाए तो हम नहीं चूकेंगे। विज ने कहा कि हम खनन माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। डीएसपी की हत्या पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा माइनिंग माफिया का अड्डा सरकार और माफिया की सांठगांठ, डीएसपी की हत्या की न्यायिक जांच हो। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसे लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये घटना शर्मनाक है, माफिया हाथ से निकलता जा रहा है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। विधायकों को धमकाया जा रहा है, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।